بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد एक और बुलंद दर सलावत मैं समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी तंजीम को, आपकी कम्युनिटी को और इस तंजीम और कम्युनिटी के एक एक फर्द को, जनाब मौलाना शुएब साहब को, तमाम जो यहाँ पर मसूलीन हैं, मुंतजमीन हैं, अब जाहिर है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और जो लोग भी कोशिशें कर रहे हैं और मुद्दतों से कोशिशें कर रहे हैं वो सब इस तबरीक के मुस्तहक हैं कि आपकी कोशिशें बराबर हो रही हैं। यकीनन ये लम्हे भी यादगार रहेंगे। तबरीक के मानी ये होते हैं कि तबरीक दरअसल दुआए बरकत है। तबरीक सिर्फ एक तहनियत नहीं है बल्कि एक दुआए बरकत है कि परवरदिगार आलम आपकी कोशिशों में और उन कोशिशों के नतायज में बरकत आता फरमाए। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा सरमाया सिर्फ एक है और वो उसकी कोशिश। ये कुरान मजीद की आयत है जिसको मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। लैस लिल इंसान इल्ला मा सहा, इंसान का कुछ भी नहीं है। वो हकीकत कोई चीज़ है, हम दावे से कह सकते हैं हमारी ज़मीन हमारी है, आसमान हमारा है, या ये हमारा जिस्म हमारा है, कोई चीज़ हमारी नहीं। जिस्म व जान सब उसी की दी हुई, ज़मीन व आसमान सब उसी का है, उसी की तख्लीक है और उसी की मिल्कियत है। मुल्क भी उसी का है, मलकूत भी उसी का है। फिर हमारा क्या है यहाँ पर? पूरा कुरान अव्वल से आखिर तक पूरा कुरान आप पढ़ें तो ये आयत एक ऐसी है जो इस मसले को हल करती है कि हमारा क्या। लाम, लाम तमलीक या लाम लाम इख्तिसास, जो भी माना जाए लाम है यहाँ पर एक। लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ,
इंसान का कुछ नहीं है मगर वो जो उसने कोशिश की। कोशिश, आपने कोशिश की, परवरदिगार ने कोशिश में बरकत आता है। कोशिश की बुनियाद, कोशिश को पुरबरकत बनाने वाली चीज, कोशिश को बारावर बनाने वाली चीज एक और है, और वो क्या है? नियत। जो कोशिश हो, जो भी कोशिश हो, अगर नियत खालिस है, नियत पाक है, नियत लिल्लाह है, यानी अब एक अजीब लतीफ सी बात है कि अल्लाह सुभानहु व तआला ने कोशिश के लिए लाम इस्तेमाल किया, लिल इंसान है। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान का क्या है, इंसान का सरमाया उसकी कोशिश है, और अगर कोशिश को भी इंसान लिल्लाह बना दे, जो कुछ अपना है, जमीन तो अल्लाह की है, आसमान अल्लाह ही का है, कायनात में हर शय अल्लाह की है, हम अल्लाह की नजर क्या कर सकते हैं? आदमी अपनी कोई चीज दूसरे को देता है ना, हदीये में, तोहफे में, कुर्बान कोई अपनी चीज करता है ना इंसान, हमारी तो कोई चीज है नहीं। जब है नहीं तो हम क्या चीज बारगाह इलाही में पेश कर सकते हैं? कोशिश। हम अपनी हर कोशिश को लिल्लाह करार दे दें, अल्लाह के लिए, तो अल्लाह हमारी कोशिशों को हमेशा के लिए हमारे हक में एक बड़ा सरमाया करार देगा और उसके नतायज को लाजवाल करार देगा। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुनिया फानी है मगर आप फानी नहीं है, इंसान फानी नहीं है, इंसान अजली नहीं है मगर अबदी है, इंसान अबदी है। आप फानी नहीं, आप फना के लिए पैदा नहीं हुए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया है कि खुलिक्तुम लिलबका ला लिलफना, तुम बका के लिए पैदा हुए हो, फना के लिए पैदा नहीं। और एक जगह ये ताबीर ज़मीर जमअ मुतकल्लिम के साथ है कि खुलिक्ना लिलबका ला लिलफना, हम बका के लिए पैदा हुए हैं, बका के लिए पैदा किए गए हैं, फना के लिए पैदा नहीं किए। ये दर्स बहुत है, और ये कोशिश और नियत दोनों की सलामती के लिए ये इदराक, ये इरफान ज़रूरी है। ये चीज़ जहन में रहे कि हम बका के लिए पैदा किए गए हैं, फना के लिए नहीं। ये चीज़ जहन में रहे तो फिर कोशिश में जो हमारी कुव्वत सर्फ होगी, और जो स्ट्रेंथ होगी, और जो कैफियत होगी, उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क हो जाएगा। कहीं किसी शख्स को यह एहसास हो कि हमें दो दिन चार दिन रहना है, वहां बेपरवाही से रहता है, और जहां इंसान को मालूम हो कि हमेशा हमेशा हमें रहना है, वहां उसकी कोशिशों का और रहने सहने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो इस आलम हस्ती में, यह आलम हस्ती इस खाकनाए दहर तक महदूद नहीं है, ये कुरए अर्ज नहीं रहेगा मगर इंसान रहेगा। मसला ये है, इसे समझने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। अगर ये नुक्ता हमारे जहन में, हमारे इरफान में, हमारे विजदान में, हमारे इल्म में रहे, हमारे जहन में रहे, हमारे दिल में ये बात रहे, तो हमारी जिंदगी का अंदाज कुछ और होगा, हमारी कोशिशों का अंदाज कुछ और होगा, और उन कोशिशों के नतायज और समरात और आसार कुछ और होंगे। मौसम का तकाजा ये नहीं है कि देर तक गुफ्तगू करूँ, मैं फिर तबरीक पेश करता हूँ, तहनियत पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि परवरदिगार
आप तमाम हजरात की जिंदगियों में जिंदगी की तमाम तर रौनकें बरकतें और सआदतें भर दें बहक़ मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और इस कुरए अर्ज पर जब तक ये कुरए अर्ज कायम और बाकी है उस वक्त तक आपका ये सेंटर हमेशा मामूर रहे आबाद रहे। यहाँ जिक्र खुदा और जिक्र रसूल और जिक्र अहले बैत रसूल हमेशा होता रहे। ये याद रखिएगा कि जो बात अभी मैंने तमहीद में अर्ज की थी कि अगर इंसान का कुल सरमाया क्या है, कैपिटल सरमाया पूंजी उसकी कोशिश, और कोशिश अगर इंसान लिल्लाह करार दे दे, जो चीज़ अल्लाह ने लिल इंसान करार दी है उसको इंसान लिल्लाह बना दे तो अल्लाह उसकी कोशिशों को उसके वजूद को उसके आसार को लाजवाब बना देता है। इसका सबसे बड़ा सबूत सरकार सैयदुश्शहदा का वाक़ है। सरकार सैयदुश्शहदा अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम आका ने अपने लिए क्या बनाया, घर बनाया, महल बनाया, असर बनाया, प्रॉपर्टी खरीदी, गांव बसाया, अपने लिए अपनी आल औलाद के लिए कुछ भी तो नहीं किया, खुद को मुकम्मल तौर पर राह खुदा में फना कर। तो एक इंसानी नुक्ते नज़र से देखिए कि एक हुसैन और अहले बैत हुसैन के रहने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए था, क्या चाहिए था हुसैन को एक आम इंसानी नुक्ते नज़र से। आज रूए ज़मीन पर कितने घर हुसैन, कौन सा मुल्क है जहाँ हुसैन का घर नहीं है, घर है हुसैन का, घर हुसैन की प्रॉपर्टी है। और ज़ाहरी तौर पे जो आप देख रहे हैं इससे कहीं ज्यादा हुसैन की प्रॉपर्टी। हुसैन ने अपना सब कुछ खुदा को दे दिया और खुदा ने अपना सब कुछ हुसैन को दे दिया। हम देख रहे हैं अपनी आंखों, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जिसका दिल चाहे इस हकीकत का मुशाहिदा। हर चीज हुसैन की है। बस दो तीन जुमले कहूंगा हर क्रिया का, हर चीज हुसैन की। इसलिए जब हुसैन जहां चाहे जिस खाक को चाहे खून बन जाए। हुसैन की हक्कानियत के सबूत के लिए कि हुसैन हक है, हुसैन हक है, इसके सबूत के लिए जहां से आप मिट्टी उठाएं अगर हुसैन चाहेंगे वो लहू बन जाए, इस दरख्त की शाख से हुसैन चाहेंगे लहू टपक जाए। ये रिवायतें हकायक पर मबनी हैं। मुखालिफीन ने भी अपनी तफसीरों में लिखा है और मुआलिफीन और मुआफिकीन ने तो लिखा ही है कि बादे शहादत इमाम हुसैन बैतुल मुकद्दस में या बाज़ और मकामात पर कोई पत्थर जमीन से नहीं उठाया जाता था मगर उसके नीचे से लहू ताज़ा लहू जोश हुआ। दुश्मनों की रिवायतें हैं, दुश्मनों की, के बाद कत्ल हुसैन आसमान से कतरा कतरा लहू बरसता और दीवारों पर जो कपड़े डाल दिए जाते थे धोकर सफेद कपड़े उन पे खून के निशानात पहुंच जाते थे। दुश्मनान हुसैन के घरों की रिवायतें हैं। और बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये माहौल किसी बाकायदा मजलिस का नहीं है, इस वक्त भी आसमान से कतरा कतरा बारिश हो रही है। तो मुझे बस एक मिसरा याद आ रहा है, मरहूम सैयद आले रज़ा का मिसरा है। उन्होंने गालिबन अपनी शायरी इसी मिसरे से शुरू की थी कि एकदम से बारिश जब होने लगी तो उन्होंने फरमाया कितना पानी है
جملہ وقت برس جاتا آل رضا پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آقا حسین بھی بہت اچھے شاعر تھے. مجھے ان کا ایک بند یاد آ گیا تھا, میلبرن میں میں نے پڑھا تھا اور جی چاہ رہا ہے یہاں بھی پڑھوں. فرما گئے ہیں کہ حسین ناز مشیت, حسین امام نیاز, حسین ناز مشیت, حسین امام نیاز, حسین ایسی حقیقت جو اصل میں اعجاز, حسین ایسی حقیقت جو اصل میں اعجاز, حسین اپنے ہی جد کی یہ مستقل آواز, حسین اپنے ہی جد کی یہ مستقل آواز, ہزار کرب و بلا ہو مگر نماز نماز, ہزار کرب و بلا ہو مگر نماز نماز. بیت دیکھیے گا کیا اچھی بیت کہی ہے, کیا اچھی بیت کہی ہے. ظہر عاشور کی نماز یاد رکھیں, پھر عصر عاشور یاد رکھیں. سرکار سید الشہداء نے جب ظہر کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کے ایک صحابی نے درخواست کی, آقا وقت نماز ہے, اول وقت ہے اور جی چاہتا ہے کہ شہید ہونے سے پہلے زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ با جماعت پڑھ. کیا اصحاب حسینی کا جوش ہے, کیا کہیں گے. امام نے دعا دی ہے اسے, اس صحابی کو دعا دی کہ پروردگار تجھے نماز گزاروں میں شمار فرمائے, تو نے نماز کو یاد دلایا, پھر نماز پڑھی آپ. اس وقت دشمنوں نے جو گستاخی کی, اس گستاخی کے جواب میں حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی. اس تمام تفصیل سے آپ حضرات واقف ہیں, آشنا ہیں, برابر سنتے رہتے ہیں مجالس میں, مگر آپ یہ غور فرمائیں کہ نماز آقا نے پڑھی اور عصر عاشور کی نماز کا تصور کر کے علامہ جمیل مظہری کا بھی ایک بہت مشہور شعر ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز, حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز, جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی, جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. لیکن اس بند کا کی جو بیت آل رضا نے کہی ہے اس میں بڑی بلاغت ہے. فرماتے ہیں کہ حسین اپنے ہی جد کی وہ یہ مستقل آواز, ہزار کرب و بلا ہو مگر نماز نماز, جنا کی سمت بھی جنا کی سمت نہ وقت نماز بڑھ کے چلے, جنا کی سمت نہ وقت نماز بڑھ کے چلے, نماز رہ گئی ایسی نماز بڑھ کے چلے, نماز رہ گئی ایسی نماز پڑھ کے چلے. پروردگار آپ حضرات سے توفیق عطا فرمائے کہ اس سینٹر کو تکمیل تک پہنچائیں اور یہاں امام بارگاہ کے ساتھ ساتھ مسجد اور مسجد کے ساتھ ساتھ امام بارگاہ دونوں ہمیشہ معمور رہیں, پر نور رہیں. یہاں سے نور ہدایت, نور توحید, نور ولایت پوری دنیا میں پھیلے, دوسرے ملکوں کے لوگ آپ کے اس مثالی ادارے سے استفادہ کریں اور اس مثال پر خود اپنی کوششیں قائم کریں. اور سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کی کوششوں کو قبول فرمائیں, آقا سید الشہداء آپ کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شفاعت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ